कार्बन इमिशन कार्बन इमिशन क्या होता है इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें क्या है ले सकते हैं क्या इसका टेक्निकल अपडेट्स है क्या रिसेंटली डेवलपमेंट हो रहे हैं और इस, इसको यूज करके किस तरीके से हमारा इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकता है कार्बन इमिशन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्ट हुई थी यूरोप में और बाकी अदर फॉरेन कंट्रीज में उस टाइम पे बहुत सारा कार्बन इमिट किया गया इन द फॉर्म ऑफ सीओ टू एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इंडस्ट्राइजेशन जब भी होता था तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से उसमें काफ़ी सारी गैसेज निकलती थी इसके रिजल्ट में ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी इमिट होने लगी हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गेस इफेक्ट क्या होता है जब सन से जो हमारा हॉट रेडिएशन इमिट होते हैं जब वो वापस से रीमिट करके अर्थ पे ही रुक जाती है और काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहती हैं तो जिस कारण अर्थ का मीन वायल टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं जिसके कारण एट द एंड अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इससे क्या रीज़न है इससे क्या इशू है हमको इससे हमारा इशू यह है कि जब अर्थ का मीन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इससे क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है जैसे कहीं पे बिना वाद के वर्षा बारिश हो जाना कहीं पे सूखा पड़ जाना कहीं पे फॉरेस्ट फायर जैसी चीज़ें होने लग जाना वायरसेस रिलीज़ हो जाना और भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं नदियाँ सूख जाती है समुद्र में उनका लेवल सीवल सी लेवल बढ़ जाता है तो इस तरीके की काफ़ी क्लाइमेट चेंज होने वाली घटनाएं होने लग जाती है तो इन सब से कार्बन इमिशन का क्या है मतलब कार्बन इमिशन से इसका लेना देना ये है कि एट द एंड जब भी इंडस्ट्रेशन हुआ था तो उसके कारण मेन जो गैस जो रिलीज हुई थी जिसका क्वांटम सबसे ज़्यादा था वो सीओ थी तो अभी इस ये तो सब इसका टेक्निक ये तो सब इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड था तो अब इसमें रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हो रहा है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है तो हमने हमने मतलब हम इस पूरे सिस्टम को कार्बन इमीशन से कम करने के लिए और उसके इफेक्ट को कम करने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक कार्बन को कार्बन करेंसी के फॉर्म में कार्बन कार्बन को डिफाइन किया तो किस तरीके से डिफाइन किया कि एक वन टन ऑफ सीओ टू के फॉर्म में मतलब हम अगर कार्बन इमिशन को वो कम करना है तो हम सबसे पहले उसको कुछ एक क्वांटिटी तो देनी पड़ेगी ना कि किस तरीके से इसको मेजर करेंगे किस तरीके से इसको नापेंगे तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कार्बन की करेंसी डिफाइन करी दैट इज वन टन ऑफ सी टू एक टन ऑफ सी अब हम कैसे समझ सकते हैं कि वन टन ऑफ सी क्या होता है तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं अगर हम एक कार को अप्रोक्सीमेटली टेन थाउजेंड किलोमीटर चलाएंगे तो जितना सी रिलीज होगा वो एक वन टर्न ऑफ सी होगा और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप इस टाइम में डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम अगर हमारे वन नाइनटी टू कॉटन टी शर्ट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जितना कार्बन या जितना फोसिल फ्यूल बर्न होगा उतना फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलो वाटर्स मतलब हम चार हजार तीन सौ यूनिट्स हमारे घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उस कंज उस कंज्यूम में हम नॉर्मली हमारे जो बिल आता है उसमें हम जो यूनिट्स रहती है वो यही यूनिट्स है तो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड यूनिट्स अगर हम ले रहे हैं तो उसमें जितना कार्बन इमिशन होगा वो वन टन ऑफ सीरो टू के इक्वलेंट है या फिर हम अगर आप एल ई डी टी वी को अप्रोक्सीमेटली वन लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड वन नाइन्टी टू वन नाइन्टी आवर्स चलाते हैं तो जितना कार्बन इमिशन होगा वो वन टन ऑफ सीरो टू के इक्वेलेंट रहेगा तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कार्बन करेंसी की कार्बन हम किस तरीके से कार्बन को मेजर कर सकते हैं तो अगला क्वेश्चन ये आता है क्या सी टू ही है बस ऐसी गैस है जो सी जो कार्बन इमिशन के लिए या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं ऐसा नहीं है सी ओ टू के साथ और भी छह गैसेस इंपॉर्टेंट गैसेस ऐसी हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग पे काफ़ी इफेक्ट है बट सी ओ टू को हमने एक बेसिक यूनिट बनाया है बाकी जो भी गैसेस रहेगी ना वो इसके मल्टीपल में है जैसे मेथेन है वो उससे पच्चीस गुना ज़्यादा इफेक्टिव है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए उसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड एन टू ओ जिस आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं थर्ड नंबर पे वो अप्रोक्सीमेटली और, और थ्री हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है सी ओ टू से अगर वो अगर अगर एक टन अगर सी ओ टू है और अगर एक टन नाइट्रस ऑक्साइड है तो वो सी ओ टू से थ्री हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट डालेगी ग्लोबल वार्मिंग में उसी तरीके से ये जो बाकी केसेज भी आप देख सकते हैं इन सब का तो फिर अगर हम इस टेबल को देखे तो हमको क्लियर दिख रहा है कि सी टू तो बहुत लिस्ट इफेक्ट रखती डग, है फिर हम सी टू को ही क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है सी टू को ही क्यों कम करना चाहते हैं उसका रीज़न ये है कि सी टू वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा है इन सब का इम्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है बाकी गैसेस का पर इन सब की क्वान्टिटी बहुत कम है तो क्या हम जनरलाइज समझ सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ से कौन कौन सी गैस रिमिट कर सकते हैं बिल्कुल जो इमेज अभी आप देख रहे हैं नीचे उससे हम एक आईड्रफ आइडिया लगा सकते हैं कौन सी गैस कहाँ पे निकलती है हम देख रहे हैं CO2 है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से निकलता है मीथेन वो एर, वो जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है वो जो भी हमारा लाइवस्टॉक्स होते हैं मतलब जानवर होते हैं उनका जो भी वेस्ट होता है उससे वो मीथेन निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड ये जितना भी हमारा फर्टिलाइजर एक्टिविटी होता है क्रॉपिंग प्रैक्टिस होता है फॉरेस्ट फायर होता है बर्न, ये भी एक फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से निकलता है तो हम इसे देख सकते हैं कि ये एक जनरल ओवरव्यू था कि किस तरीके से हम कार्बन इमीशन की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और किस तरीके से कार्बन इमीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और किस तरीके से हम कार्बन इमीशन को मेज़र करते हैं तो आज के लिए इतना ही आगे आने वाले समय में और देखेंगे कि इस कार्बन इमीशन को कैसे प्रैक्टिकली हम डे टू डे लाइफ में भी इसको विजिट कर सकते हैं किस तरीके से जो डिफरेंट नेशंस की गवर्नमेंट्स है वो किस तरीके से इनको ट्रेड करने के लिए यूज़ कर रही है किस तरीके से ये हमारे लिए एनर्जी इंडिपेंडेंट की तरफ एक सोर्स हो है